Yo, what is going on, guys? Welcome back to the channel to a brand new video, and this is going to be a quick update to the live stream that we did on patch details. तो कुछ चीजें मैं बदलना चाहूंगा from the statements that I said in the live stream. Now keep in mind, अभी तक update नहीं आया है, so we cannot say things for sure. But just to put things in perspective, या फिर आपके ज़हन में डालना चाहूंगा कि कुछ चीजें जो मैं बदलना चाहूंगा फ्रॉम द स्टेटमेंट्स दैट आई मेड, ताकि आपको अच्छे से आइडिया रहे कि जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो खराब है कि अच्छे हैं, और आपको उनके यूनिफॉर्म लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, या यू कैन प्लान देम अकॉर्डिंगली कि आपको क्या करना है उसके रिगार्डिंग में. अब सारे यूनिफॉर्म का 40% डिस्काउंट आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी आप कोई यूनिफॉर्म मत लो. इवन इफ अपडेट कल आ जाए, कल अपडेट आ ही रहा है, सो फिर भी आप यूनिफॉर्म मत लो. अभी आप यूनिफॉर्म लेना ऑन एनिवर्सरी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 50% डिस्काउंट मिलेगा, सो आपको आधे दाम में यूनिफॉर्म मिल जाएगा. सो सेव योर क्रिस्टल टिल देन. अब अगर हम आते हैं कैरेक्टर्स पे, तो एबनी मॉ की अगर हम बात करें तो इसके किट को पीवीई के तरफ ले गए हैं मार्वल फ्यूचर फाइट डेव्स बहुत ही क्लेवरली, क्योंकि मैग्नीटो जो कि एक लौता ब्लास्ट सुपर विलन था जो कि मेटा में था अभी तक, उसका एक डायरेक्ट कंपटीशन बनकर एबनी मॉ आ गया है, क्योंकि इसको अभी भी ब्लास्ट रखा गया है, ही इज अ सुपर विलन, तो मैग्नीटो के डायरेक्ट काउंटर में ये आता है. तो फॉर एग्जांपल, मैग्नीटो का यूनिफॉर्म सीजनल यूनिफॉर्म है जो अभी रिसेंटली ही गया है, लाइक इट वाज ऑन सेल ऑन नवंबर आई गेस, तो नवंबर में वो यूनिफॉर्म सेल में था, तो अब अगले नवंबर तक यानी कि इस साल के नवंबर तक वो यूनिफॉर्म सेल पर नहीं आने वाला है, तो आपको वेट करना पड़ेगा उस यूनिफॉर्म के लिए, या फिर आप एबनी मॉ के लिए जा सकते हो. ये डेफिनेटली सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन ABX ABL प्लेयर्स के लिए है जिन्हें ब्लास्ट सुपर विलन में कोई कैरेक्टर चाहिए था अच्छा सा, एंड वो ब्लास्ट सुपर विलन कैटेगरी में यूज़ करने वाले हैं ABX ABL के लिए. वर्ल्ड बॉस लेजेंड और PvP की यहाँ बात ही नहीं हो रही है. अब अगर हम बात करेंगे एबनी मॉ के किट की, तो उसके पास स्किल डैमेज बोनस डैमेज इंक्रीज है जो कि इसके टियर 2 पैसिव में पहले नहीं था, तो उसके थ्रू इसको अच्छा खासा डैमेज बूस्ट मिल रहा है. नॉट टू मेंशन अब लेवल 80 और टियर 4 जा सकता है ये, तो उसके थ्रू इसको और भी ज़्यादा डैमेज मिलेगा. अब सभी टाइप के डैमेज की बात करें तो ये माइंड टाइप डैमेज डील कर रहा है, तो इस पर आप जजमेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि एक एलिमेंट टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर ये बनकर आ रहा है, तो एक उस तरह का कैरेक्टर है जो आपके रेज के बजाय जजमेंट का भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि आपको आप अपना वो रेज किसी और कैरेक्टर पर दे सके. नाउ दिस इज आर ट्रेन मास्टर एबनी मॉ जिसकी हम बात करें, जनरल्स हैंड. सो यस, ये यूनिफॉर्म पीवीई के तरफ घुमा दिया गया है, और इसके पास सारे के सारे कैंसल्स है ऑलमोस्ट. इसके पास स्नेयर है, ठीक है, इसके पास आई बिलीव फिर पैरालिसिस है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंसल्स इसके पास है, ठीक है. शॉक एक खाली कैंसल है जो नहीं देखने को मिल रहा, बट आप उसका इजीली काउंटर कर सकते हो टीयर 4 में स्ट्राइकर स्किल में कोई और कैरेक्टर डालकर जो उन कैंसल्स को अप्लाई कर सके, ठीक है. बर्न भी इसके पास नहीं है, तो बर्न के लिए आप कोई फायर टाइप कैरेक्टर लगा सकते हो, बट मोस्ट पार्ट के लिए जो कॉमन एबिलिटीज होते हैं सच एज स्नेयर एंड पैरालिसिस वो इसके पास है, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा वर्ल्ड ABX एंड ABL कैरेक्टर बन जाता है. तो या एक छोटा सा यही पॉइंटर मुझे रखना था. उसके अलावा इसके पास आर्टिफैक्ट में ये खुद को 20% इंक्रीज डैमेज तो सुपर विलन सुपर हीरो देगा, तो उसके थ्रू भी इसका ABX ABL स्कोर बूस्ट खाएगा. नाउ कमिंग टू हिज टीयर 4 स्किल, टीयर 4 स्किल में भी इंक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव बाय 40% एनिमीज पे लगाएगा जो बॉसेस पे भी अप्लाई होता है, साथ ही साथ इसका ऑल अटैक 50% बफ 7 सेकंड के लिए इसका डैमेज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देगा. उसी जगह पर अगर हम मैग्नीटो का किट को देखते हैं एक बार, तो मैग्नीटो के किट में आपको देखने को मिलेगा कि पैसिव पे 20% एनर्जी अटैक देता है, ओके, लीडरशिप में 50% एनर्जी अटैक देता है अपने आप को, टियर 2 पैसिव में स्किल डैमेज बोनस डैमेज 40 और 30% है, इससे ज़्यादा स्किल डैमेज और बोनस डैमेज एबनी मॉ के पास है, ठीक है. अब इंक्रीज बेसिक डैमेज टू ह्यूमन कैरेक्टर्स बाय 80%, ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ABX ABL बीस्ट इज एन एलियन, तो ह्यूमन कैरेक्टर वो नहीं आता है, ठीक है. उसके अलावा अल्टीमेट की बात करें, अल्टीमेट पे इसके पास 35% का बूस्ट है, वहीं एबनी मॉ को उसके टीयर 4 से 40% का मिल रहा है आई गेस, राइट. तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो मैग्नीटो का बफ ज़्यादा है क्योंकि उसको इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 90% मिलता है बफ, ओके. आई थिंक ये थैनोस का स्किल है, राइट. मैग्नीटो का स्किल ये वाला है, तो आप देख सकते हो स्नेयर और रिमूव एक्टिव बफ फ्रॉम टारगेट है, राइट. तो मैग्नीटो का स्किल अपने में उतना कुछ अच्छा है नहीं स्ट्राइकर स्किल, सच बोलूं तो, ओके. स्नेयर और इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 40% है, और वहीं जब इसका एबिलिटी मैक्स हो जाता है तो इंक्रीज बेसिक डैमेज डेल टू, ओके, या
ऑल बेसिक अटैक बाय 90% हो जाता है इसका, राइट? तो वो बूस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है? आई गेस दिस इज रियली कंफ्यूजिंग. या तो 40% और 90% के बीच में जगल करता है, ठीक है? अब वहीं एबनी मौके पे चलते एक बार किट पे, फिर से देख लेते हैं. ओके, तो एबनी मॉ पे यहाँ पे 50% है, आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम. तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, उल्टा कम ही होगा अगर आपका वो एबिलिटी पॉइंट्स कम रहते हैं कंपेयर टू द कैरेक्टर्स जिसको आप लगाओगे इसके स्ट्राइकर स्किल पे. तो यस, एबनी मॉ थोड़ा सा पीछे दिख रहा है, बट कीप दिस इन माइंड, ये एक फ्री टू प्ले ऑप्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिस्टल्स के मामले में कम कॉस्ट करेगा. नेटिव टीयर 2 है, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे. इसको अनलॉक करने के लिए क्रिस्टल्स नहीं लगते हैं, वहीं मैग्नीटो को अनलॉक करने के लिए 6600 लगते हैं, बट मुझे वो गिनना नहीं चाहिए क्योंकि उसके बदले आपको जीन ग्रे मिलती है जो कि ऑब्वियसली एक वैल्यूएबल कैरेक्टर है. तो मैग्नीटो ऑब्वियसली उनके पास होगा जो जीन ग्रे को अनलॉक करते हैं, और जो एबनी मॉक अपग्रेड करने का रिसोर्स रखते हैं वो ऑब्वियसली जीन ग्रे के लिए ही पहले जाएंगे. सिंस शी इज़ अ ब्रोकन कैरेक्टर तो उनके पास मैग्नीटो भी होना चाहिए. तो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिफॉर्म नहीं है, इसी वजह से मैंने कहा था कि इसको आप स्किप कर सकते हो. लेकिन उन लोगों के लिए जो मैग्नीटो का यूनिफॉर्म मिस कर दिए, या फिर उन्हें लगा था और कोई ब्लास्ट विलेन आएगा, तो अभी इन क्यू और कोई ब्लास्ट विलेन नहीं है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो ये आपका मौका हो सकता है कि आप एक ब्लास्ट विलेन अपने रोस्टर में ऐड कर लो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर्स में भी जाएंगे तो आपको कोई भी ब्लास्ट विलेन टीयर 4 आता हुआ नहीं दिखेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. स्ट्राइव को रिसेंटली टीयर 3 मिला है तो उसको टीयर 4 नहीं देंगे. वांडा इज अ फीमेल कैरेक्टर, हमें ब्लास्ट मेल देखना है, एंड यहाँ पर हमें कोई भी ब्लास्ट कैरेक्टर मेल अच्छा T4 होते हुए नहीं दिख रहा है जो कि मैग्नीटो को सरपास कर पाएगा. सो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, एबनी मॉक या मैग्नीटो, ये दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं. तो आगे आपका डिसीजन है. मेरे हिसाब से तो मैग्नीटो के लिए ही जाना चाहिए, बट इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन गो फॉर एबनी मॉक एज वेल. ठीक है, तो विद दैट इस वीडियो को एंड करते हैं. एक छोटा सा वीडियो था जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि एक अच्छा यूनिफॉर्म है ये, PvE की तरफ टर्न कर दिया गया है, बट स्टिल मैग्नीटो से बेटर नहीं है, मैग्नीटो से पीछे ही है. सो विद दैट इस वीडियो को एंड करते हैं. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय.